हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस नेटवर्क। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण को मैं डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की समरी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद आगामी आने वाले वीडियो में मैं इससे संबंधित 50 MCQ का एक वीडियो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग आज के इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें ताकि आगामी आने वाले जो MCQ का वीडियो होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएं। अभी से लेकर नियमित अंतराल पर 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक उसको YouTube चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा ताकि करेंट अफेयर्स में आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो पाए। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 22वां विधि आयोग। देखिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इनके साथ साथ दो पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है जिनमें KT शंकरन और आनंद पालीवाल शामिल हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष का नाम याद रखिए ऋतुराज अवस्थी और दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है, इनके नाम है KT शंकरन और आनंद पालीवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम क्या है? बताइए रुद्रम क्या है? रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका विकास जो है वह DRDO के द्वारा की गई है। अगर इसकी प्रकृति नेचर देखा जाए तो A2S का मतलब हो गया एयर टू सरफेस, यानी कि यह वायु से लेकर सतह पर सतह तक यह मार करती है। ठीक है, इसे वायु से लॉन्च किया जाएगा, सतह पर कोई भी टारगेट होंगे तो उसे भेदा जाएगा। तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका विकास DRDO के द्वारा की गई है, जो कि प्रकृति में एयर टू सरफेस कार्य करती है। अगला है, देश का पहला निजी रॉकेट। देखिए, देश का पहला निजी रॉकेट का नाम है विक्रम-S। ठीक है, तो पहला निजी रॉकेट है देश का, भारत का विक्रम-S। इसका विकास हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा की गई है। और ये जो स्काई रूट एरो स्पेस है वह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी है। तो यहाँ से दो चीज़ों को आपको याद रखना है, पहला, देश का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है? विक्रम-S। और दूसरा, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी कौन है? तो स्काई रूट एरो स्पेस। तीसरा, हाल ही में देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S का विकास किस निजी स्पेस कंपनी के द्वारा की गई? तो स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। यहां से तीन प्रश्न बनने की संभावना है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अगला देखिए, PSLV की 56वीं उड़ान संपन्न हुई है। किस रॉकेट के जरिए? PSLV-C54 सैटेलाइट के जरिए PSLV की 56वीं उड़ान संपन्न की गई है। ये दो यहाँ का गैप है, 54 और 56, इसीलिए क्योंकि PSLV की दो उड़ान पूर्व में वह असफल हो चुकी है। ठीक है, तो PSLV की 56वीं उड़ान PSLV-C54 सैटेलाइट के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कई सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। उनमें एक था अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट EOS-6, जिसका दूसरा नाम है OceanSat-3 प्लस में 8 अन्य नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो यह है PSLV-C54 की उड़ान। अगला है प्रोजेक्ट 15B, P-15B। आ सकता है प्रश्न कि P-15B का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नौसैनिक युद्धपोत से इसका संबंध है। इसके अंतर्गत कुल 4 युद्धपोत निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें विशाखापत्तनम, मारमुराव, इम्फाल और पोरबंदर, ये 4 युद्धपोत का निर्माण किया जाना है प्रोजेक्ट 15B यानी कि P-15B के जरिए। अभी तक इन 4 युद्धपोत में 2 युद्धपोत का निर्माण हो चुका है, जिनमें पहला INS विशाखापत्तनम और दूसरा INS मारमुगाव है। INS विशाखापत्तनम को नौसेना में 21 नवंबर 2021 ईस्वी को शामिल किया गया है और दूसरा INS मारमुगाव जिसे 24 नवंबर 2022 को शामिल किया गया है। यह देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है क्योंकि नवंबर महीने की करंट अफेयर है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा प्रीवियस एक ईयर का करंट अफेयर। तो प्रश्न प्रोजेक्ट 15B का संबंध नौसैनिक युद्धपोत से है। इसके तहत कुल 4 युद्धपोत का निर्माण किया जाना है, जिनमें INS विशाखापत्तनम, INS मारमुगाव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर प्रमुख हैं। इन 4 युद्धपोत
क्षेत्र में दो युद्धपोत का निर्माण अभी तक हो चुका है, जिनमें INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को शामिल किया गया और INS मार्मुगांव को 24 नवंबर 2022 को शामिल किया गया, जो कि देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत है। तो यह है प्रोजेक्ट 15B। अगला है, देखिए ये काफ़ी आसान है, आप लोग जानते होंगे, गणतंत्र दिवस 2023 में चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, किस देश के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये हमारे चीफ गेस्ट थे। इनको मिस्र के राष्ट्रपति को ही चीफ गेस्ट बनाने का क्या रीज़न था? इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वर्ष 2023 में भारत और मिस्र ने अपने राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे किए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर भारत में मिस्र को चीफ गेस्ट बनाया गया, भारत और मिस्र के राजनयिक संबंध के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो यह 75वें वर्ष पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके पहले अगर देखेंगे तो 2023 के तो चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति हो गए, 2022 में कोई चीफ गेस्ट नहीं थे, 2021 में भी कोई चीफ गेस्ट नहीं थे, क्यों? कोविड के कारण। और इससे पहले 2020 में ब्राजील को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो यह गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2023। अगला है G17 का समिट, देखिए G17 जो समिट है यह इसका G20 का समिट 17वां सम्मेलन, G20 का जो 17वां सम्मेलन है वह 15-16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुई है। ठीक है, इस वर्ष का आयोजन भारत में किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप पिछले बार का आयोजन पूछ ले, क्योंकि इस एक साल का प्रीवियस करंट आपको कवर करना है और यह नवंबर में हुई है बैठक, तो पूछा जा सकता है कि G20 सम्मेलन का 17वां बैठक किस देश में संपन्न हुआ, तो आपको बताना है इंडोनेशिया में 15-16 नवंबर 2022 के मध्य। ठीक है, इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 ईस्वी से लेकर अध्यक्ष बना हुआ था और इसी अधिवेशन में भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता प्रदान की गई, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, इस डेट को आप लोग याद रखिए, किस दिन G20 की अध्यक्षता भारत ने संभाला, 1 दिसंबर 2022 को, और यहां पर कौन सा सम्मेलन हो रहा है, 18वां सम्मेलन G20 का संपन्न हो रहा है भारत में, और इसके पहले 17वां सम्मेलन संपन्न हुआ इंडोनेशिया की राजधानी बाली में। सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 के अध्यक्षता हेतु भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी प्रतीक चिन्ह भेंट की थी, और उस सम्मेलन की जो बाली इंडोनेशिया में हुई थी उसकी थीम क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अगर G20 के बारे में देखें तो G20 का गठन 1997 ईस्वी के एशियाई वित्तीय संकट के संदर्भ में 1999 ईस्वी में किया गया था, यानी कि G20 का गठन 1999 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो एशियाई वित्तीय संकट 1997 इसका बैकग्राउंड रहा है। 2008 की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के पश्चात राष्ट्राध्यक्षों का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ, इसके पहले राष्ट्राध्यक्षों का वार्षिक सम्मेलन नहीं, सिर्फ मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते थे, लेकिन 2008 ईस्वी में जब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसके पश्चात विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा। इसका पहला सम्मेलन 2008 ईस्वी में USA में हुआ था, 17वां बाली इंडोनेशिया 2022 ईस्वी में, और 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि 1 दिसंबर 2022 को इसने अध्यक्षता संभाल ली थी। ये देखिए यहाँ पर आपको G20 के सदस्य देश बताए गए हैं 19+1, आप अगर लिखना चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और खास बात यह है कि वे 6ठी बार प्रधानमंत्री वहां के बने हैं। वहां के राष्ट्रपति कौन हैं? इसाक हर्जोग वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला, आर्टिमिस मिशन का संबंध किस देश से है? तो यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से यह संबंधित है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने से संबंधित उद्देश्य है, और अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की जो अमेरिका द्वारा संपन्न हुआ उसमें आर्टिमिस मिशन में भारत को भी एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे।
ये जो आर्टिमिस मिशन है नासा का, जिसके अंतर्गत चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा जाएगा, यह तीन चरणीय अभियान है। पहले चरण के अंतर्गत ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। तो आप लोग याद रखिए, आर्टिमिस मिशन का संबंध नासा से है। इसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना। अगला है COP 27। अब सभी जानते हैं COP 27 कहाँ पे संपन्न हुई है, मिस्र। मिस्र में COP 27 संपन्न हुई है 6 से 20 नवंबर 2022 ईस्वी को शर्म अल शेख में। ठीक है, तो COP 27 कब और कहाँ संपन्न हुई, तो 6 से 20 नवंबर 2022, आप याद रखिए, COP 27 नवंबर 2022 ईस्वी में मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुई है। COP 28 UAE दुबई में किया जाएगा दिसंबर 2023 में। तो आप पूछा जा सकता है COP 28 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो UAE दुबई में। COP 27 सम्मेलन कहां पर संपन्न हुई, तो मिस्र में नवंबर 2022 ईस्वी में। अगला है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, देखिए 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2022 ईस्वी को गोवा में संपन्न हुई है। इसके अंतर्गत ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फोकस कंट्री किसे बनाया गया 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत, तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत फोकस कंट्री किसे बनाया गया है, फ्रांस को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड नो इंड के लिए नादिर साइबर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड वाहिद मोवासेरी को नो इंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड डेनियला मार नवोरा को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। ठीक है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सारा को और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। यह है भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ, गोवा में संपन्न हुआ, फोकस कंट्री फ्रांस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निदेशक, अभिनेता, अभिनेत्री का नाम आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वह बम्बई में 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 1952 ईस्वी में बंबई में हुआ था, लेकिन 2004 ईस्वी से प्रतिवर्ष यह गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और अभी तक यह गोवा में आयोजित किया जा रहा है। 2022 ईस्वी में भी यह गोवा में संपन्न हुआ, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में फ्रांस को स्वीकार किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभ्यास सी विजिल का संबंध है। अभ्यास सी विजिल क्या है, भारतीय नौसेना प्लस तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी हितधारकों का एक युद्धाभ्यास है, जिसमें 9 राज्य प्लस 4 यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। ठीक है, जो 2022 ईस्वी में संस्करण हुआ है वह तीसरा संस्करण है। अभ्यास सी विजिल की शुरुआत जो है वर्ष 2019 ईस्वी में की गई थी, या पहला सम्मेलन था, पहला युद्धाभ्यास। इसके बाद 2021 ईस्वी में दूसरा युद्धाभ्यास और 2022 ईस्वी में तीसरा इसका संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के सभी हितधारक शामिल थे। 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल थे। अगला है भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन। देखिए, भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें भाग लिए थे। इसके अलावा आसियान की 40वीं और 49वीं बैठक जो है वर्ष 2022 में कहां पर संपन्न हुई, कंबोडिया में। एक बात आप लोग याद रखेंगे, जिस वर्ष आसियान की जिस देश में बैठक होती है, उसी वर्ष उसी देश में भारत और आसियान की भी बैठक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों देश कॉमन होगा, आसियान की बैठक का हो या भारत आसियान सम्मेलन का हो। तो आसियान की 2022 में बैठक 40वीं और 41वीं बैठक कहां संपन्न हुई, कंबोडिया में, और भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ, कंबोडिया में। अगला, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति की गई है, तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। आप लोग सभी ध्यान से सुनिए, आगे आने वाले वीडियो में इसका MCQ डिस्कस किया जाएगा और आपसे बेहतर अंक की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए। परितोक्ता दर्पण पत्रिका अगर आप 8-10 महीनों की कवर कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको BPSC प्रीलिम्स करेंट अफेयर के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये समरी वे में है, यहाँ पर समराइज में इसे यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, इसलिए अच्छे से आप लोग इसे देखें और सुनें।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डोनी पोलो। इसका डोनी का जो अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। तो किस राज्य में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा, इसका क्या नाम है? गंगा विलास क्रूज। इसकी शुरुआत वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में इसकी शुरुआत हुई है। 3700 किलोमीटर की इसकी दूरी है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी रिवर क्रूजेज एवं JM बक्सी रिवर क्रूजेज के साथ समझौता किया है। यहाँ पर याद रखने वाली दो तीन चीज़ें हैं। पहला, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा का नाम क्या है? गंगा विलास क्रूज। कहां से कहां तक संपन्न हुई? वाराणसी से डिब्रूगढ़। कितनी किलोमीटर की दूरी तय की? 3700 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अगला टॉपिक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? UNO के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। इसके तहत कहा गया है कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की आबादी 8 अरब को पार किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व की आबादी 8 अरब किस तिथि को पार किया? तो आप क्या बताएंगे? 15 नवंबर 2022 ईस्वी को विश्व की आबादी 8 अरब हो चुकी थी। अगर संभावित आबादी देखा जाए तो देखिए विश्व की क्या संभावित आबादी है, 2022 को 8 अरब की आबादी, लेकिन 2030 8.5 अरब की आबादी और 2080 में 10.4 अरब की आबादी है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। इसके अलावा ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, विश्व की 50% से अधिक आबादी जो है सिर्फ 7 देशों में है, जिनमें चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील शामिल है। वहीं 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का 50% वो 8 देशों में होगा, कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाक, फिलीपींस एवं तंजानिया। इन दोनों में भारत शामिल है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए। अगला है, देश की ऐसी पहली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है जिसके तहत निजी क्षेत्र की किसी कंपनी के द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण देश में किया जाएगा? बताइए, बड़ोदरा में टाटा एयरबस परियोजना, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह पहला अवसर होगा जब C-295 विमान का उत्पादन यूरोप के बाहर किसी देश में किया जाएगा। अभी तक यह सिर्फ यूरोप में मूलतः स्पेन में किया जाता था, लेकिन यूरोप के बाहर अगर पहली बार देखा जाए तो गुजरात के बड़ोदरा के टाटा परिसर में इसका किया जाएगा। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, यानी कि वोकल से लोकल और लोकल से ग्लोबल, यह इसकी थीम है। पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ये पार्टनर स्टेट के रूप में हैं, और फोकस स्टेट के रूप में केरला और यूपी के शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का अवार्ड फर्स्ट नंबर पर है केरला, और सेकंड नंबर पर सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का अवार्ड बिहार को प्रदान किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF। अगला, एयर इंडिया में निजी क्षेत्र की कंपनी विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक संभावित है। देखिए, डिजिटल रुपये की जो शुरुआत है वह RBI के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को की गई है। मुख्यतः 4 शहर में इसकी शुरुआत की गई थी, जिनमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, ये 4 शहर शामिल हैं। इन चारों शहर का आपको नाम याद रखना है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। कब शुरुआत की गई? 1 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई देश के 4 शहरों में, जिनमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं। RBI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, 22-23 में आर्थिक मामलों हेतु IMF का पूर्वानुमान है उसके अनुसार। देखिए, अगर भारत की ग्रोथ रेट देखा जाए, IMF जो कह रहा है, IMF के अनुसार 22-23 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% का पूर्वानुमान है, वहीं वैश्विक स्तर पर 3.2%।
आरबीआई 7% का अनुमान लगाया था, लेकिन घटाकर उसने 6.8% कर दिया। मूडीज के अनुसार यह रेशियो विकास का दर 7% रहने की संभावना है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट जो अपडेट आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चूंकि ये जनवरी महीने की पीढ़ी का है तो थोड़ा सा पुराना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, किन्हें बनाया गया है? राजीव कुमार। इसके अलावा अन्य जो दो चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। इनमें अरुण गोयल की नियुक्ति जल्दी में की गई है, ठीक है। अगला, प्रसार भारती के नए CEO गौरव द्विवेदी, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य अरविंद बिरमानी, बंगाल के नए राज्यपाल CV आनंद बोस। ये नियुक्ति से संबंधित है जो कि जनवरी महीने की प्रत्युक्ता दर्पण में संकलित है या अंकित किया हुआ है। अगला, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुल 86 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। जिनमें रघुवीर मलिक बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें भी प्रदान किया गया है। और ये बिहार के एकमात्र कलाकार हैं। क्या नाम है उनका? रघुवीर मलिक। इनका संबंध ध्रुपद संगीत से है। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 जैनंदन को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 बकुल ढोलकिया को दिया गया, जो कि IIM के पूर्व निदेशक रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंत टेबल टेनिस से संबंधित है। 25 लाख की राशि इनको प्रदान किया गया। वहीं अर्जुन पुरस्कार अगर देखा जाए तो ये 25 लोगों को दिया गया है, और अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार RS 15 लाख की राशि और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार RS 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 2022 का अवार्ड शरद कमल अंचत को दिया गया, वहीं अर्जुन पुरस्कार कुल 25 लोगों को प्रदान किया गया है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022, यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है। मिस अर्थ 2022 का ताज किसे? मीना चोई को, जो कि दक्षिणी कोरिया से संबंधित है, उसे दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2022 टिम बर्नर्स ली को प्रदान किया गया है। आप लोग अगर याद कर चुके हैं तो काफी अच्छे तरीके से देखते रहिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का हाल ही में निधन हुआ, जिनका क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख लेते हैं। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट इन लाइन जेफरी आर्चर की बुक है। इन स्टार्स विथ अस कॉलिन हूबर की बुक है। सुल्तान ए मेमोरियल वसीम अकरम की बुक है। ये चारों बुक महत्वपूर्ण है, सुल्तान कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बुक का नाम आप लोग याद रखें, द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा और सुल्तान वसीम अकरम, ठीक है। अब है 17वां प्रवासी दिवस 2023। देखिए, 17वां प्रवासी दिवस 2023 जो है, इसका मुख्य आयोजन इंदौर में किया गया था। कब? 8 से 10 जनवरी 2023 ईस्वी को। इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, इसकी थीम रही है। और चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 17वां प्रवासी दिवस 2023 इंदौर में जनवरी 2023 में। गुआम के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली चीफ गेस्ट थे, और इसका थीम था प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। समन्वय 2023 क्या है? आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है समन्वय 2023। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखें। अगला है मालाबार 2023। मालाबार 2023 युद्धाभ्यास फिलीपींस सागर में संपन्न हुआ, 2022 फिलीपींस सागर में संपन्न हुआ है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, या वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जोधपुर में संपन्न हुआ। और युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ उत्तराखंड में, जो कि थल सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है। एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किनका है? ऋतुराज गायकवाड़। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है
फीफा रैंकिंग 2022 से। देखिए फीफा रैंकिंग 2022 अगर देखा जाए तो पहला स्थान ब्राज़ील को है और 106 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, या पुरुष में महिला में पहला स्थान जो है वह यूएसए को प्रदान किया गया है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व और यूपी का 4था टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, यानी कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध है उत्तर प्रदेश से और रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का 4था टाइगर रिजर्व है। अगला, कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार 2022 आरफा खानम शेरवानी को प्रदान किया गया है। क्यूएस की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे। काशी तमिल संगम समारोह को आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह, काशी तमिल संगम समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ? बनारस में संपन्न हुआ है। यह सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। कौन स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? अचंत शरत कमल। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास किया है? जिसका नाम है शत्रुनाग, या भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि शत्रुनाग क्या है, या इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास है जो कि पहली बार 2022 में संपन्न हुआ है, नाम क्या है? शत्रुनाश। गांधी मेडल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? दलाई लामा को। टेनिस के किस खिलाड़ी ने 6ठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? कौन सा नया खिलाड़ी है? नोवाक जोकोविक, जो कि रोजर फेडरर की इन्होंने बराबरी कर ली है। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत को। यानी कि वर्ष 2023 ईस्वी में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला है यूएनजीएनए किस दिन को बच्चों के यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के एक प्रस्ताव को 7 नवंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की है? किस दिन? 18 नवंबर को। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? सियेरा लियोन और नाइजीरिया के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस से संबंधित है, जोधपुर में संपन्न हुआ है, वायुसेना का यह युद्धाभ्यास है। डिजिटल करेंसी की शुरुआत कब की गई? 1 दिसंबर को की गई, 4 शहरों में, अभी हमने ऊपर बताया था। हॉकी टीम के अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, पुरुष रैंकिंग में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को और भारत को 5वां स्थान मिला है, वहीं महिला में पहला स्थान नीदरलैंड को और भारत को 8वां स्थान प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जनवरी में 2023 की प्रतियोगिता दर्पण के समरी रूप को हमने यहां पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह सेशन, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को अवश्य शेयर करें। आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत नियमित अंतराल पर जनवरी 2023 से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक सभी महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी को डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि आगामी आने वाले बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत करेंट अफेयर सेक्शन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकें। अगर अभी आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और बने रहें। शीघ्र एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।